शासन की योजनाओं का पलीता लगाते हुए सड़कर पंचायत के रोजगार सहायक जगदीश शुक्ला नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण लवकुशनगर जनपद के अंतर्गत इस ग्राम पंचायत को माना जा रहा है, जहां पर पदस्थ रोजगार सहायक जगदीश शुक्ला ने ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ ही नहीं दिया। सड़कर ग्राम के निवासी कल्लू केवट ने बताया कि रोजगार सहायक ने पिछले 5 सालों से परिवार आईडी नहीं बनाई, जिससे सूखा राहत आवास जैसी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। लोग झोपड़ी में पन्नी लगाकर जीवन यापन करते हैं। ऐसे तमाम मामले ग्राम पंचायत सड़कर में मौजूद हैं। इस दौरान लोगों ने जनपद सीईओ एस के मिश्रा से भी गुहार लगाई, लेकिन एस के मिश्रा द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर ग्रामीणों ने जातिवाद के आरोप भी लगाए हैं। अब जी है श्रीमान की रोजगार सहायक कुछ अपने मतलब से कार्य करने पे दिक्कत मानते हैं। उन्हें नौकरी का अपने एहसास नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं नौकरी का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनता परेशान तो ही है, मुझे मालूम है। मेरे से मतलब जनता बार बार शिकायत करती है, मेरे से कहती है कि हमारा ये श्रम कार्ड नहीं बनता, हमारे पर्ची नहीं बन रही, हमारे मकान के सर्वे सूची में नाम नहीं आता। हम उनसे बोलते हैं तो कह देते हैं कि हो जाएगा, परंतु हम भी बार बार उनसे कहते हैं, फ़ोन लगाते हैं, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते और हमसे कुछ बुराई तत्व के रूप में हमारे पास नहीं आते। हम पंचायत भवन में बुलाते हैं जनता के निराकरण के लिए, उनके लिए हम बोलते हैं कि जनता के गरीबों के कुछ पर्ची बनाए। पूरे कागज दे चुके हैं, 100 दिन मजदूरी कर चुके हैं, काम चुका है, पैसा पूरा मिल गया है, तो श्रम कार्ड नहीं बना रहा हो। कौन नहीं बना रहा आपका श्रम कार्ड? आप ग्राम पंचायत नहीं बनाया आप? मेरी समस्या है कि मैंने उन्हें एक बार शपथ पत्र बनवा के दिया था, सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जगदीश शुक्ला सहायक सेक्रेटरी सका है, हाँ, तो बोले कि अलग कर बनवा लेना, शपथ पत्र लेते हैं ना, मैं आपकी आईडी अलग कर दूंगा। कम से कम तो 2.5 महीने हो गए इस बात को लेकर, ना तो वहाँ का जवाब देते हैं ना तो ना का, कि मैं दूसरा कुछ देख लूँ।